हैं, अब गार्लिक ग्रो की है और गार्लिक मैंने एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है मंडे और अभी बज रहे हैं 9:30 और 8 बजे तक रमेश ऑफिस चले गए थे। मेरा सारा काम ऑलमोस्ट क्या सारा ही काम हो गया आज मंडे। मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं पूरे हफ्ते पूजा ना करूं, लेकिन आज का जो दिन होता है इसमें मैं बहुत अच्छे से पूजा करती हूं, खीर बनाती हूं, तो वो सारा काम मेरा हो चुका है। कि 9 बजे वाली नींद ले रहा है लड्डू, तो लड्डू अभी सोया हुआ है, तो थोड़ा बहुत मेरा काम है वो मैं कर लेती हूं, क्योंकि वो तामझाम जो है ना वो लड्डू के जगह रहने में हो नहीं पाता है, तो मैं अभी वो करने वाली हूं। और मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने गार्डन में क्या किया है। देखो ये मेरा प्लांट जो है कुछ कम सा नहीं लग रहा आपको? एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इसमें से ना मेरी मॉम को मैंने कटिंग दे दिया है, क्योंकि उनका जो हिबिस्कस का प्लांट था वो बिल्कुल डेड हो गया था, क्योंकि ये लॉकडाउन में जब वो 15 दिन के लिए आई थी तो वो हिबिस्कस उनका बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो मैंने बोला कि चलो यहीं से ले जाओ, क्योंकि कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है ये। और मेरा ये प्लांट भी मैं अपने मॉम के घर से कटिंग ही लेके आई थी। दूसरा ये जो मेरा मनी प्लांट है, ये थोड़ा ग्रो हो रहा था तो इसको मैंने वापस से ऐसे करके यहाँ पे टाई कर दिया है, तो ये बहुत अच्छे से देख रहे हो आप, बहुत लंबा हो गया और बहुत बुशी होना बाकी है अभी। बुशी, ओह कितनी गंदी आवाज़ है इस बाइक की, तो बुशी होना अभी बाकी है, हालांकि बहुत अच्छा खासा बुशी है। मैं इसमें से एक्चुअली कटिंग देती रहती हूँ अपने नेबर्स को भी, और मनी जो पानी में भी प्रोपगेट करती रहती हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है। और जो मेरा ये अपराजिता का प्लांट है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये अपराजिता का प्लांट जो पहले यहाँ होता था उसको मैंने यहाँ लगा दिया है, और ये इसकी मैंने इसको दे दिया है सपोर्टिंग, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा। और ये एक जो मैंने बताया था ना आपको, मैं लास्ट टाइम अभी मॉम के घर गई थी तो वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने यहाँ पे अब नया जो है ना मनी प्लांट ये प्रोपेगेट करके रखा है, तो थोड़े दिन मैंने इसको भी अंडर सन रखा है, अंदर नहीं रखा है, कि थोड़े से अच्छे से अपनी जड़ें जो है मजबूत कर ले, पकड़ बना ले, उसके बाद इनको मैं इस बास्केट को मैं अंदर लगाऊंगी। सो इस वाली बैल्कनी गार्डन से बस इतना ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपने शायद देखा होगा कि लास्ट जो मैंने कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने जब बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें मैंने एक पीस ना रख दिया था अलग, वो इसलिए कि उसकी सीड्स मैं मिट्टी में डालूंगी, प्लांट बनाने की कोशिश करूंगी, देखते हैं होता है नहीं होता ये। तो इसमें से मैं ना थोड़े सीड्स कलेक्ट कर लूंगी और फिर उसको डालूंगी, तो मिट्टी भी प्रिपेयर करूंगी। मिट्टी में ऑलरेडी जो है मेरा वर्मी कंपोस्ट डला हुआ है, लेकिन वो बहुत पहले का है और अभी मेरे पास है भी नहीं, तो मैं थोड़ा सा कोकोपीट डालूंगी उसमें और फिर ये डाल दूंगी, देखते हैं अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता तो भी ठीक है। सामने वाले अपार्टमेंट में थोड़ा सा ना फैब्रिकेटर का काम चल रहा है, तो शायद थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा ना सबसे पहले मिट्टी को लूज कर रही हूँ, ताकि कोकोपीट में इजीली मिक्स कर सकूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा कोकोपीट।
कोकोपीट डालने का मेरा रीज़न यही है कि थोड़ी जो जो सॉइल मिक्स है वो थोड़ा हल्का बने, ताकि जो सैपलिंग्स वगैरह जो है, जो मैं सीड्स डालूँगी, सैपलिंग्स बहुत ईजिली निकल सके, ड्रेनेज जो है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। तो अभी कोकोपीट डालने के बाद मैंने मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए कोकोपीट मिट्टी के साथ। तो मैंने मिट्टी में कोकोपीट अच्छे से मिक्स कर दिए। और एक चीज़ और बता दूँ, इस मिट्टी में ना मैंने किचन वेस्ट जो होता है ना, जैसे हम पोटैटो छीलते हैं, वेजिटेबल हम कट करते हैं, तो उनके जो वेस्ट होते हैं ना, वो मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। इनफैक्ट जो जिन गमलों में प्लांट्स लगे भी हुए हैं, मैं उनमें भी डाल देती हूँ। तो दैट वर्क्स एज अ फर्टिलाइज़र और बहुत अच्छा होता है वो। तो अगर आप भी अपनी कोई किचन गार्डनिंग मेंटेन कर रहे हैं, या वैसे भी कोई प्लांट आप लगा रहे हैं, या कोई अदर प्लांट भी लगा रहे हैं, तो उसमें भी आप ये किचन जो किचन वेस्ट होता है ना, उसको आप छोटा छोटा कट करके डालते रहे, वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। तो ये ज़रूर करें अगर आप भी किचन गार्डनिंग या कोई नॉर्मल गार्डनिंग भी कर रहे हैं। तो ये मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे, जो सीड्स हैं उनको मैंने अलग नहीं निकाले थे, ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिए। अब मुझे लगता है अलग से सीड निकालने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे देखिए सीड्स हैं इसमें। तो इस तरीके से बोएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सैपलिंग ज़्यादा ईजिली निकल पाएंगे, और छोटे छोटे अगर मैं डालती हूँ सीड्स को तो वो बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी के अंदर चल जाएंगे, तो उनको निकलने में दिक्कत रहती है। तो मैंने ऐसे से आप स्लाइस करके भी काट सकते हैं, या ऐसे ऐसे छोटे पीसेस करके भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक बार ट्राई किया था और सीड्स निकाले थे, वो मेरे ख्याल से काफ़ी डेप्थ में चले गए थे तो निकल ही नहीं पाए। इस बार मैं ऐसे छोटे छोटे कट करके डालूँगी, देखती हूँ कब कैसे निकलते हैं। अब सीड्स डाल देने के बाद हम डाल देंगे पानी, तो पानी मैं स्प्रे करूँगी, पानी वैसे नहीं डालूँगी, नहीं तो सीड्स जो है वो अंदर चल जाएंगे, और जितना अंदर चल जाएंगे, जितनी गहराई उनको मिलेगी, उतनी मुश्किल होगी उनको निकलने के लिए। तो मैं बस हल्का हल्का ऊपर से पानी स्प्रे करूँगी। तो मैंने बैंगन के सीड्स लगा दिए हैं, अब देखते हैं हफ्ते भर या 10 दिन 15 दिन जितने भी टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है निकलने में, वो मैं आपको अपडेट करूँगी। जैसी सैपलिंग्स निकलेंगे मैं वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो चलिए लेट्स होप कि ये अब अच्छे से निकल आए। तो मैं इसको वापस रख देती हूँ इसकी जगह पे। आज हमने बैंगन, देखते हैं अब कितने दिनों में ये निकल के आते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे किचन गार्डन के बाकी के प्लांट्स। तो अपने लास्ट टाइम मैंने आपको जब दिखाया था, तो मैंने उसमें दिखाया था कि मिर्ची का पौधा है, और करेला है, नींबू है, और क्या दिखाया था, शायद ये तीन चार चीज़ें दिखाई थी मैंने आपको। तो अब मैं उसकी अपडेट्स आपको देती हूँ। तो अपडेट का सबसे पहला तो ये है कि जो करेले का मेरा पौधा दिखाया था मैंने आपको, कितना बड़ा, उसमें इतने सारे करेले भी लगे थे लेकिन बहुत छोटे छोटे थे। उसके बाद वो करेले कम से कम इतने बड़े बड़े हो चुके थे, लेकिन हुआ यूँ कि जब मैं लास्ट टाइम अपने मॉम के घर गई थी ना फॉर अ वीक, तो वो पूरा एक हफ्ते में जो है ना, वो बिल्कुल पूरा पौधा, पूरा प्लांट जो है, पूरे करेले जितने इतने बड़े बड़े हो गए थे, वो सारे येलो पड़ गए। तो मैंने तो पहले जो करेले थे उनको काट दिए थे, बट देखा धीरे धीरे वो पूरा प्लांट ही वीला पड़ रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया। तो दोबारा से ग्रो कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, तो उसका मेरे को इतना दुख नहीं है। अब आपको मैं दिखाती हूँ बाकी के प्लांट्स, ठीक है। तो ये है मिर्ची का प्लांट। तो लास्ट टाइम आपने एक दो ही प्लांट देखे थे उसमें, जो मैंने बताया था आपको कि मैं अपने मॉम के घर से लेके आई थी। तो उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सीड्स डाल दिए थे रेड चिलीज के। तो ये देखिए, ये सारे इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से निकल के आ गए हैं। देखिए जब प्लांट निकलता है ना, तो उसके ऊपर भी सीड्स ना ऐसे बने रहते हैं, ये देखो। तो ये एकदम नया नया निकला है अभी, और बाकी ये जो है ये बड़े हो गए हैं। बहुत सारे पौधे निकले, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 पता नहीं बहुत सारे। और ये है नींबू का, तो नींबू का और थोड़े थोड़े मैंने सीड्स ना और डाल दिए, दिख रहा होगा, तो इसमें पानी डालूंगी। मैंने भी ऊपर ऊपर ही रखा हुआ है, अब पानी डालूंगी, ये भी ग्रो कर जाएंगे। और ये देखो, ये मैंने लगाया है मैंगो का ट्री, मैंगो प्लांट। तो अभी तो ये प्लांट ही है, जब बड़ा होगा ट्री होगा ना। हाँ, तो ये लगाया है मैंने मैंगो का प्लांट। आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मिट्टी में ही लगता है, बट मैंने यूट्यूब में ना काफ़ी देखा था कि वो पॉट में भी ग्रो कर रहे थे, तो मैंने बोला क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो ये मैंने सीड से ही लगाया था और हफ्ते भर में ही प्लांट निकल के आ गया था। अब ये दो और लीव्स निकल रहे हैं। और ये देखो, ये वाला जो पॉट था, ये था मेरा करेले वाला, ठीक है। तो उसमें मैंने ये अब गार्लिक ग्रो की है। और गार्लिक मैंने कैसे ग्रो करे, जैसे मैंने बताया, मैं हफ्ते भर के लिए मम के घर गई थी, तो जो छील के रखे थे ना मैंने लहसुन, उसमें से रूट्स निकल रहे थे, तो वो मैंने फिर जिन जिन में रूट्स ज़्यादा निकले हुए थे तो वो मैंने मिट्टी में ऐसे डाल दिए। तो ये रहा लहसुन। लहसुन मैं फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ, तो ये तो इतने लंबे लंबे तो हो गए हैं, तो देखते हैं। आई डोंट नो ये इनका हार्वेस्ट करने का टाइम कब सही रहेगा, कब सही होता है, तो ये चीज़ मैं अपने मदर इन लॉ से पूछूंगी, क्योंकि वो उनकी भी एक छोटी सी किचन गार्डनिंग है। इस बार जब मैं जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो भी। तो ये है प्लांटर टमाटो का, तो ये एक है, तो वही, ये भी थोड़ा सूख सूख गया है, और जो मैंने अभी नए सीड्स डाले थे तो उसके ये सैपलिंग सारे जो है निकल आए हैं। ये सबसे बड़ा है और ये थोड़े थोड़े एक संग जैसे डाल दिए थे तो एक ही तरफ ज़्यादा निकल के आ गए, एक ये छोटा सा। और ये अभी अभी जो डाला है बैंगन का, तो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं किचन वेस्ट भी मैं डालते हुए चलती हूँ, तो इससे मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये देख रहे हो आप, ये एलोवेरा जो कल मैंने एलोवेरा सर पे लगाया था, वो तक भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखा आपने मेरी छोटी सी किचन गार्डन, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है करते रहना चाहिए। जब आपके पास जगह है, छोटे छोटे प्लांटर में भी आप ग्रो कर सकते हो, चिलीज ग्रो कर सकते हो, गार्लिक ग्रो कर सकते हो। तो गार्लिक मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मुझे पता भी नहीं था कि ये कैसे ग्रो होते हैं, तो ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। हेलो बोलो पापा। बेटा हेलो करते, ताता नहीं करते हैं। सो अभी 6 बज गए और 6 से थोड़ा ऊपर हो गया है, और मैं इसको खिलाने के लिए बालकनी में लेके आ गई हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि अभी चले फिरने लग गया है, हाथ पकड़ के चलता है, दौड़ता है, लेकिन इसको मैं नीचे पार्क में नहीं घुमा कि घुमाने ले जा सकती सिचुएशन। तो इस बालकनी में लेके आ जाती हूँ, अच्छी खासी लंबी बालकनी है तो यहाँ बहुत इन्जॉय करता है। तो मैं स्नैक्स के तौर पे इसके लिए मैं लेके आ गई हूँ थोड़ा सा पनीर फ्राई करके, वो भी देसी घी में, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, क्योंकि हल्की सी मिर्च तो ये खा लेता है, तो मैं सिर्फ पेपर ही यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे ख्याल से 7:30 बजे करीब तक सो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि स्नैक्स में थोड़ा सा इसको इस तरह का खाना दे दूँ ताकि इसका पेट भरा रहे। मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ठीक है, सीख रही हूँ थोड़ा बहुत। मेरे को मम्मी बताती रहती है कि शाम के वक्त इसको स्नैक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के देना, तो वो आइडियाज़ देती रहती है। तो आज मैंने पनीर बनाया था, होममेड पनीर ही है, बाहर का नहीं है, तो मैंने बोला क्यों ना इसके लिए थोड़ा पनीर फ्राई बना के इसको एज अ स्नैक्स दिया जाए। आज बेबी ओए, कॉल जा रही है, कॉल जा रही है। अच्छा आओ आओ, कल्ला चावल खाते हैं। अरे मेरा बाबू
नानी कैसे सुनाती है? ताई 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 मामा बोली जाए मामा दिल दूध पा दूर उसे काई मम्मी ये लो नाती नहीं दूर ये प